डेविड का थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपन उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 9, अपन नहा धो के एकदम रेडी है। बाकी सब अपने दोस्त नहा रहे, जब तक अपन ने पूछा किसी ने चक्कर मार दे। वैसे अपना रूम जो है तो एकदम जगदीश मंदिर के पास में ही, जगदीश मंदिर, हाँ ये वाला आ गया जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर के एकदम पास में ही है। और यहाँ पर पता नहीं लोगों के बीच में पता नहीं क्या भसड़ मच चुकी है, पता नहीं क्या चुका है। तो अपन अभी सोच रहे हैं कि या तो कहीं ना कहीं चक्कर मार के आ जाए, जब तक वो ना ले कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं, देखते हैं कुछ। तो भाई यहाँ पे अपन आए थे चाय वाय पीने, चाय वगैरह सब कुछ पी ली है और आई जाएगा अभी नहाने। बाकी सब नहाने के लिए रूम में ही है और अपन अभी तक अपन ने कुछ नहीं सोचा कि कहाँ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीन लोग नहाएंगे। जब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करके आएंगे, भले इनको वापस से लेके जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो देख के आ ही जाएंगे। वैसे तो लगभग सारा उदयपुर लास्ट टाइम देख ही लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और देखने में क्या जाएगा। सो गाइज, अपन अभी जा रहे हैं गनगौर घाट और ये देख लो पतली पतली गलियाँ, वो सब ना रहे जब तक अपन ने सोचा कि अपन कहीं ना कहीं तो जाके आ जाए। और वैसे अकेले ब्लॉगिंग करने का मज़ा भी आता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई साथी होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे जो शॉट निकलते हैं वो भाई साहब दलन बहुत ही ख़तरनाक थी। तो ऐसे बोल रहा था कि अपन को, हाँ ये आ गया, आप यहाँ का गनगौर घाट आप देख सकते हैं। वैसे इसका ये ड्यूल मोड काफ़ी अच्छा है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक अपन गनगौर घाट में क्या कर सकते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, नहीं तो आसपास और कहाँ जा सकते हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट। और भाई यार हेलमेट तो डालना भूल गया था। गनगौर घाट पे तो भाई फुल रश है। वैसे तो गनगौर घाट पे यहाँ पे जो फोटो सेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा बार बार देखा है कि अक्सर भीड़ लगती रहती है, लेकिन ऐसी स्विमिंग की जैसी भीड़, जैसे कि वाटर पार्क टाइप ही लग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो अब ध्रुव को नहाने की काफ़ी इच्छा है, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो आ जाएगा, वरना अपन और कुछ सोचेंगे। उसने बोला ही था कि अगर तू जा रहा है तो देख लेना, अगर कोई ना रहा है तो। मेरे को लगा यहाँ नहाने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो भाई मतलब। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि देखो, टी शर्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैंने रूम में एंट्री ली और इन दोनों को बताया गनगौर घाट का सीन, जो एक शॉट लिया था वो बताया, और देखो मतलब है। चल चल भाई, चल 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 चलो चलो, चलो। और यहाँ पे देखो, बिना चप्पल के हम जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास शूज है और चप्पल वप्पल बिल्कुल है नहीं। मेरे को ज़्यादा तैरना नहीं आता, और पीछे जो दो लोग आ रहे हैं उनको तैरना फुल आता है, भाई को भी तैरना नहीं आता, और भाई बिल्कुल अंदर आने वाला नहीं है बिकॉज उसके कान की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये भी अपने लिए एक अच्छी बात है कि आगे जितने भी शॉट आएंगे वो सब भाई लेगा, इसके लिए एडवांस में ही मैं थैंक यू बोल देता हूँ। और अभी आप शॉट एंजॉय कीजिए। एक्साइटमेंट देख सकते हो ना, इसने चप्पल पहनी है ना मैंने चप्पल पहनी है। जैसे ही ये इसको मैंने शॉट बताया, ये तो एकदम भागने के लिए तैयार हो चुका है। और भाई नाना उस साइड है, तो बढ़िया से यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं इजीली। और आपको यहाँ पर नहाने को मिल जाएगा। तो मेरे को यार थोड़ा सा डर तो वैसे लग रही है, अपन क्या सिर्फ पुल वाले आदमी हैं, ऐसे कभी नहाए नहीं है। थोड़ा बहुत पहले कभी नहाया था, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि अपन को तैरना बहुत कम आता। वैसे छोटे छोटे बच्चे तैर रहे हैं तो अपन भी तैर ही सकते हैं।
first you come to mind at the worst of times. Oh, what does a hand mean the hardest when I'm off my game, when I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? Do you feel the same? दोस्तों ऐसा है कि अब हमारा स्नान तो हो गया, ठीक है ना। और सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेविड का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि डेविड ने हमको ये जगह बताई। हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि गंगोर घाट पे नहाने का भी मिलता है हमको। डेविड सबसे पहले यहाँ पे आया, हम लोग रूम पे वेट कर रहे थे, तो जैसे ही डेविड ने आके हमको बताया कि भाई के वहाँ पे नहाने की आपको सुविधा मिल सकती है, तो हम लोग भाई लोग आ गए यहाँ पे और हम सबका स्नान हो चुका है। आपने वीडियो में देखा ही होगा और पूरी बॉडी एकदम रिलीज, एकदम फ्री फील कर रही है। और आगे की बात डेविड के साथ, अभी गाइस जाएंगे होटल पे। सबसे पहले वापस से मेरे को तो नहाना पड़ेगा, और इसका टी शर्ट का मेरे को लगता है मैंने तैरने के लिए शायद लाया, थोड़ा बहुत तैर मैं भी लिया, थोड़ा बहुत सीख भी लिया, काफी अच्छा लगा इनको तो देख के, मेरे को मतलब दिल खुश खुशी हो गया। अभी होटल पे जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद आगे का क्या प्लान है वो अभी सोचेंगे। और जब तक आप व्लॉग में बने रहिए। फाइनली गाइस इस रूम को छोड़ने का टाइम आ चुका है और दोपहर के बज रहे हैं 12। हेलो देवेंद्र, जल्दी करो लेट हो रहा है। तो अपन अब हॉस्टल से बाहर आ गए हैं, अब आगे का क्या प्लान है वो देखते हैं। अगर स्कूटी चेंज होती है तो सबसे पहले स्कूटी चेंज करेंगे, अगर नहीं होती है तो आज का दिन निकाल देंगे जैसे तैसे करके। एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अपन आ चुके हैं अभी रूम पे, और क्योंकि बिना स्क्वाड के घूमना नामुमकिन है शायद। और अगर घूमना है और आप साथ में ब्लॉग करना चाहते हैं तो आपको मोटो व्लॉगिंग ही करनी पड़ेगी। और एक और बात कि अगर आप किसी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो या घूम रहे हो तो बेशक एक स्कूटी या बाइक या जो भी मिले इजीली एक ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना फ़ायदा करवाएगी जिसकी हद नहीं है। बिकॉज कल से जो हम घूम रहे हैं ना उसकी लिमिट नहीं है, इधर उधर पता नहीं किधर कितनी बार, 2-3 बार तो घूम चुके, क्योंकि गूगल मैप या तो हमको यूज़ करना नहीं आता या पता नहीं वो कैसे चल रहा है। तो लेकिन हाँ, जब भी कुछ स्कूटी वगैरह ले तो एक बार चेक जरूर करें। वैसे हमने 2 स्कूटी ली थी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और पहली ये वाली, हाँ ये वाली जो मैं लेके घूम रहा हूँ। ये वाली स्कूटी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल चलने में सही नहीं है। और इसका माइलेज की बात करूँ तो लास्ट टाइम मैंने आपने मेरी बुलेट वाली वीडियो देखी होगी, उससे भी मतलब आधे से भी आधा, मेरे बुलेट तो कम से कम 40 का एवरेज देती थी, ये तो शायद 20 का ही देती है भाई, उस लेवल की हो गई। अपन आ चुके वापस से होटल में, और आई होप कि वो सब नहा लिए हो, अगर नहा लिए हो तो ठीक है, वरना वेट करेंगे, और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। I'm messed up in the worst way. I feel like it could take on